तो और स्टूडेंट अगर आप ये लेक्चर पब्लिश होने के एक दो साल बाद यानी 2022 या 2023 में देख रहे तो उससे कोई होती है, है।, है प्रैक्टिकल फाइल वही रहती है अगर स्टूडेंट प्रैक्टिकल फाइल चेंज होना भी होगा तो ट्वेंटी यानी दो के बाद जब सिलेबस रिन्यू होगा तब इसलिए आप बेफिक्र देख सकते हैं स्टूडेंट अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले क्योंकि हमारा चैनल क्लास करवाता है साथ ही एनआईएस की सारी अपडेट आपके लिए लेके आता रहता है और साथ, के साथ हमारी फेसबुक और ट्विटर अकाउंट भी फॉलो कर, तो कर देंगे और दूसरा बेनिफिटेड तो आप वहां पर हमसे पूछ सकते हैं तीसरा बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पर जो कोचिंग क्लासेस आपको नोट्स भी वही मिलेंगे इसलिए आप उसे भी फॉलो कर ले तीनों आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा इस लेक्चर को शुरू करते हैं स्टूडेंट सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रैक्टिकल फाइल इसे हम तीन पार्ट में कवर करेंगे सबसे पहले मैं आपको मेटीरियल रिक्वायर्ड बताऊंगा यानी आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने में किन किन चीजों की जरूरत होगी उसके बाद मैं आपको इंडेक्स और कवर पेज बताऊंगा यानी आपको इंडेक्स और कवर पेज किस तरीके से बनाना है स्टूडेंट ये हमें बड़े ध्यान से बनाना होता है इसी के प्रैक्टिकल फाइल में मेन नंबर होते हैं उसके बाद लास्टली मैं आपको कंटेंट यानी पीडीएफ दिखाऊंगा जिसे देख के आप प्रैक्टिकल फाइल लिख सकते हैं वही आपको डिटो उतार लेना है तो स्टूडेंट हमारा सबसे पहला टॉपिक है मेटीरियल रिक्वायर्ड यानी आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने में किन किन चीजों की जरूरत है तो सबसे पहले आपको एक फाइल चाहिए उसके बाद आपको एक पेज ड्रॉइंग सीट चाहिए स्टूडेंट इसी के ऊपर आपको अपना कवर पेज बनाना है के ऊपर ही आपको कवर पेज बनाना है कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं प्रैक्टिकल सीट के ऊपर अपना कवर पेज बना देते हैं तो स्टूडेंट उसके नंबर कटते हैं आपको ड्रॉइंग सीट के ऊपर बनाना है तीसरी चीज है प्रैक्टिकल सीट ये आप अपने कंटेंट के हिसाब से ले सकते हैं जिस हिसाब से आप कंटेंट लिखेंगे उस हिसाब से ले सकते हैं और ध्यान रहिए दोनों चीजें ए साइज होनी चाहिए और चौथी चीज है हमारी जेमेट्री बॉक्स जेमेट्री बॉक्स में क्या होना चाहिए आपके पास जेमेट्री बॉक्स में आपके पास पेन पैं, पेंसिल और सजावट का सारा सामान होना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल में सजावट के ही नंबर होते हैं जैसे कि स्केच कलर और अन्य जितने भी सजावट के सामान होते हैं वो सब चीजें आपके पास होनी चाहिए तो स्टूडेंट अभी आपने देखा आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने में किन किन चीजों की जरूरत है अब मैं आपको इंडेक्स और कवर पेज दिखा देता हूं किस तरीके से आपको बनाना है तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले कवर पेज कुछ इस तरीके से बनाना है सबसे ऊपर आपको बोर्ड नेम लिखना है यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग अपने बोर्ड का नाम लिखना है उसके बाद अपना नाम लिखना है उसके बाद अपनी क्लास लिखनी है उसके बाद आपको एनरोलमेंट नंबर लिखना है और फिर आपको ए नंबर लिखना है और फिर फोन नंबर लिखना है और लास्टली आपको अपना एड्रेस मैंशन करना है स्टूडेंट इस तरीके से आप अगर कवर पेज बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट यहीं पर बात खत्म नहीं होती है यहां आपको अगल बगल में डिजाइनिंग भी करनी है तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको अभी एक हैंड रिटन कवर पेज दिखा देता हूं ताकि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आ जाए तो स्टूडेंट ये आपके सामने एक हैंड रिटर्न कवर पेज है बिल्कुल आपको इस तरीके से बनाना है हमारी अगली चीज है आपको इंडेक्स किस तरीके से बनाना है तो सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना है जिसमें आपको सीरियल नंबर लिखना है उसके बाद आपको टॉपिक लिखना है जो आप टॉपिक प्रैक्टिकल फाइल में लिखोगे वो आपको सीरियल वाइज इसमें लिखना है उसके बाद आपको पेज नंबर लिखना है जो टॉपिक जितने पेज से जितने पेज नंबर तक है वो आपको लिखना है और लास्टली आपको एक टीचर साइन का कॉर्नर नीचे बनाना है और उसमें आपको टीचर के साइन लेने हैं उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपको इंडेक्स और कवर पेज किस तरीके से बनाना है ये आपको बिल्कुल ध्यान से बनाना है क्योंकि इसी के मेन नंबर होते हैं तो स्टूडेंट अभी आपने देखा कि आपको इंडेक्स और कवर पेज किस तरीके से बनाना है अब मैं आपको दिखा देता हूँ कंटेंट आप बिल्कुल आपको यही कंटेंट डिट्टो अपनी फाइल में उतारना है आपके सामने ये पीडीएफ है ये पीडीएफ आपको डिटो उतार लेनी है ये स्टूडेंट एक्सरसाइज वन है इस तरीके से आपको इस बुक में सोलह एक्सरसाइज मिलेगी

पहला सवाल है आपको कितनी एक्सरसाइज लिखनी है तो आपको मिनिमम बारह एक्सरसाइज लिखनी है स्टूडेंट आपको बारह से कम नहीं लिखना है नहीं तो आपके नंबर कटेंगे तो अगर मैं आपको ये पूरी पीडीएफ दिखाऊं तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इस पीडीएफ का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपको करना कुछ नहीं है डिट्टो बस ऐसा ही उतार देना है तो अभी आपने देखा आपको प्रैक्टिकल फाइल किस तरीके से बनानी है अगर फिर भी स्टूडेंट आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं हमारी टीम आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार है दूसरी चीज है हमारी मार्किंग स्कीम यानी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम दिया जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन मार्क्स दिए जाएंगे स्टूडेंट मैं आपको ये करके बता देता हूं फोर मार्क्स का होगा सबमिटिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये थ्री मार्क्स का होगा और आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन एग्जाम्पल्स एनी फोर एग्जाम्पल्स तो स्टूडेंट ये आपके फोर मार्क्स का होगा स्टूडेंट परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब यानी वहां पर आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा वो फोर मार्क्स का होगा अगली चीज है प्रीपेयरिंग माउंट ये आपका थ्री मार्क्स का होगा उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड बुक ये भी आपका थ्री मार्क्स का होगा और लास्टली आपका एक वाइबा होगा वो आप वो भी आपका थ्री मार्क्स का होगा स्टूडेंट कुल मिलाकर टोटल आपके ट्वेंटी मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम है बायोलॉजी में सीधे स्टूडेंट आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारी टीम आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार है स्टूडेंट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ के साथ हमारे सोशल मीडिया लिंक्स को